वह एक सुंदर सा जंगल प्रांत है। उस जंगल में चील, कबूतर, तोता, चिड़िया और कौवे के साथ साथ सारस और सांप भी अपने अपने घोंसले बना के सब मिलजुल कर अपने अपने परिवार बसा के आराम से रहते थे। यश और वेदा नाम के दो पति पत्नी चिड़िया उनके खेत में सब्जियां उगा के उन सब्जियों को गांव गांव जाके बेचते थे। ऐसे आए हुए पैसों से जीवन बिताते थे। यश और वेदा एक दिन दुख होके घोंसले के बाहर रहे डाल पर बैठ के ऐसे बातें करने लगे। क्या करें बताइए, किसी भी समय वो चील हमारे घोंसले को आएगा। कुछ ना कुछ बोलेंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसे चील के बारे में बातें करते समय चील चिड़िया के खेत के पेपर्स पकड़ के उस जंगल का बड़ा कबूतर को लेके चिड़िया के पास आता है। यश चिड़िया, तेरी समय सीमा बीत चुकी है। तेरे खेत को कर्जे में रख के मेरे पैसे वापस नहीं दिए, अब तेरा खेत मेरा है। चील जी, आप बड़ा दिल करके हमें थोड़ा और समय दीजिए। हाँ कबूतर जी, अभी तक हम थोड़ा थोड़ा करके चील का कर्जा चुका के आए हैं और थोड़ा ही बाकी है, उसके लिए हम अपना खेत नहीं बेचेंगे। आप क्या बोलोगे चील जी? कबूतर जी, ये चिड़िया थोड़े थोड़े पैसे दिए पर अभी तक पूरे पैसे नहीं दिए, इसलिए मेरे पास कर्जे में रखे खेत को मेरे नाम पर करने को बोलिए। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उन्हें धोखा क्यों करूंगा कबूतर जी? मैं उन्हें धोखा देने से मुझे क्या मिलेगा? चील जी, अभी डाले हमारे टमाटर खेत से अभी तक पैसे नहीं आए। अगर हमारे पैसे आते तो मैं आपको पैसे भर के मेरे खेत के कागजात वापस ले लेता। देखिए चिड़िया, मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। मैं पेपर्स लाया हूँ, दस्तखत कीजिए, ठीक है ना? कबूतर जी, चील जी को आप ही बोलिए ना, हमें थोड़ा और समय दीजिए, कृपा करके आप बोलिए ना। ऐसे पति पत्नी चिड़िया चील को पूछते हैं। चील समय देने के लिए मान जाता है। पति पत्नी चिड़िया चील और कबूतर को कृतज्ञता कहते हैं। उस दिन रात को बहुत सोच के मकई का फसल डालने का निर्णय लेते हैं। ये मकई का फसल हमें उस चील की कर्जे से बचाएगा ना? देखो वेदा, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ भूमाता के हाथों में ही है। बारिश और पानी से बिना संबंध रहे हमारे ऊपर करुणा बरसाने से ये मकई का फल बहुत अच्छा उगेगा, नहीं तो हमें मुश्किलें कायम है, वो खेत हमारा नहीं रहेगा। शुक्रवार के दिन आप कैसी बातें कर रहे हो जी, हम भूमाता को प्रणाम करके नारियल तोड़ते हैं। ऐसे उस रात बीतने के बाद अगले दिन पति पत्नी चिड़िया उनके खेत के पास जाते हैं, नारियल फोड़ के भूमाता को प्रार्थना करते हैं। पत्नी चिड़िया हल पकड़ के आगे खींचती है और पति चिड़िया हल पकड़ के पीछे जाने लगता है। उनके पास चील आता है। सुनो दोनों चिड़िया, आप हल बहुत अंदर तक मत चलाओ, रसायन भी ज्यादा इस्तेमाल मत करो, कैसे भी आप हार जाओगे। यह खेत को मेरे नाम पर नहीं करने के बेकार के सोच को छोड़ दो, वो ठीक नहीं है। देखिए, हमें आप समय दिए, उस समय तक आप हमें सताना ठीक नहीं है। और एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, ये खेत आपकी नहीं हो सकती, हम मक्के का फसल डाल रहे हैं, आपका कर्जा चुका देंगे, जरूर चुका देंगे। चील जी, मैं तब भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, मकई का फसल उगते ही मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। अगर फसल हाथ नहीं आने पर क्या परिस्थिति है? अगर हम कर्जा नहीं चुकाए तो हमारे खेत के कागजात आपके पास है ना, तब हम अपना खेत आपको ही बेचेंगे। ये बात सुन के चील वहां से चला जाता है। पति पत्नी चिड़िया बहुत मेहनत करके खेत को जोतते हैं, मकई के बीज बोते हैं, हर रोज पानी डाल के मकई का फसल को देखते रहते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। कभी कभी चील पति पत्नी चिड़िया के खेत के पास आके मकई के फसल को देख के जाता है। थोड़े दिनों बाद मकई का फसल हाथ आता है। पति पत्नी चिड़िया मकई को तोड़ के सुखाते हैं। मक्के सूखने के बाद बैलगाड़ी में मार्केट को ले जाते हैं।
दो तीन घंटे बाद ज्यादा पैसों में बेच के अपने घोंसले को आते हैं। वहाँ चील कबूतर के साथ रहता है। पति पत्नी चिड़िया चील के पैसे वापस करके उनके खेत के कागजात लेते हैं। उस दिन से रहस्यों में जीवन बिता के फिर से मकई का फसल डालते हैं पति पत्नी चिड़िया। रामनगुड़म पास रही हरे भरे जंगल प्रांत में एक लालची कौवा एक जनरल स्टोर खोल के जीवन बिताती है। उस जंगल में और एक जनरल स्टोर नहीं था और बाकी पक्षी उस कौवे के शॉप को आके सभी वस्तुओं को खरीद के ले जाते थे। उससे कौवे का पैसों की पेटी हर रोज भर जाता था। इससे कौवे को लालच और बढ़ने लगता है। हर एक वस्तु के ऊपर 5 रुपए बढ़ के लेके भेजती थी। अगर कोई भी पक्षी इसके बारे में पूछने से GST कौवे का सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट को जैसे GST है वैसे कौवे को KST ऐसे कहती थी। सभी पक्षी क्यों ये सरदर्द की बातें सोच के कौवे के पूछे पैसे देके सभी वस्तुओं को खरीद के ले जाते थे। चिप्स के लिए चिड़िया पैसे लेके कौवे के शॉप को जाती है। क्या रे चिड़िया, क्यों आई हो? 5 रुपए के चिप्स पैकेट दो, ऐसे कह के 10 रुपए देती है चिड़िया। कौवे वो 10 रुपए लेके 5 रुपए के चिप्स पैकेट देती है। बाकी चेंज पूछती है चिड़िया। क्या रे कौवा, 5 रुपए के चिप्स पैकेट के लिए 10 रुपए लिए? हाँ रे चिड़िया, क्या तुझे पता नहीं कि 5 रुपए के चिप्स पैकेट के लिए 5 रुपए KST ले रही हूँ? वो ही रे कौवे का सर्विस टैक्स है। क्या रे, KST का मतलब कौवे का सर्विस टैक्स? देखो रे, तेरी कहानियाँ और करेले मेरे पास मत पकाओ। 4-5 घरों में साफ सफाई का काम करते करते मेरे हाथ पत्थर जैसे बन गए हैं। एक झापड़ देने से तेरे दांत पूरे निकल आएंगे। बाकी 5 रुपए देगी या तेरे दांत बाहर निकालो? क्या रे चिड़िया, तू जान पहचान वाली सोच के मैं चुप रही, तू तो ज्यादा बोलने लगी। ऐसे कह के कौवा उसके शॉप से बाहर आती है। कौवा और चिड़िया के बीच बातें बढ़ के तूफान की तरह बदल के एक दूसरे को मारने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे दोनों झगड़ के दोनों थक जाते हैं। उससे चिड़िया कौवे को शपथ लगा के चली जाती है। कौवा जाके शॉप में बैठती है। इस जंगल में सिर्फ मेरी ही शॉप है। आज संडे है, सभी पक्षी अंडों के लिए आएंगे। 5 रुपए के अंडे को मैं 10 रुपए में बेचूंगी। ऐसे सोचते समय इतने में उधर फिर से चिड़िया आती है। अभी तुझे क्या चाहिए रे चिड़िया? आधा डजन अंडे देना कौवा। मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, एक अंडा 10 रुपए की है। चाहिए तो लो, नहीं तो नहीं। बाद में तुझे नहीं चाहिए तो मैं नहीं मानूंगी चिड़िया। क्या, एक अंडा 10 रुपए की? 5 रुपए की ही है ना? 5 रुपए का जमाना चला गया, 5 रुपए में क्या रहा है रे चिड़िया? मुझे टाउन से इधर लाने के लिए 9 रुपए खर्चा हो रहे हैं। 1 रुपए भी लाभ नहीं रहेगा तो मैं ये शॉप को कैसे चलाऊंगी? तुझे जीना है पर बिल्डिंग पे बिल्डिंग मत बनाओ। मैं तो जो है सो बोल दी, तुझे लेना है तो ले, नहीं तो छोड़ दे। 10 रुपए क्या कौवा, बहुत ज्यादा है। इतने दिन 5 रुपए में ही देना, दाम बढ़ने से और 1 रुपए ज्यादा बढ़ के लेना। ऐसे 10 रुपए क्या, जरा सोचो। 10 रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं होगा। ये तुम खेती करके उगाए सब्जियां जैसे आसान नहीं है रे। मुर्गियों को फार्म से डीलर्स को, डीलर्स से होलसेल शॉप को, होलसेल शॉप से हमारे पास आना है। ऐसे हमारे पास आने तक हमें क्या बचेगा? ऐसे कौवे की बातें सुन के चिड़िया गुस्से से ऐसे कहने लगी। क्या बोली, खेती करना उतना आसान लग रहा है तुझे? ठीक है, मैं मुर्गियों के अंडों को उगाऊंगी, तुझे 1 का 9 रुपए में खरीदना है। क्या, अंडों का खेती करेगी? ठीक है, उगाओ। ऐसे उगाने से मेरी 1 एकड़ की भूमि तुझे दे दूंगी। मैं अगर अंडों को खेती करके नहीं उगाने से मेरे 2 एकड़ की भूमि मैं तुझे दे दूंगी। ऐसे गुस्से से चिड़िया वहाँ से अंडे लेके उसके खेत के पास जाकर वहाँ अंडों को बोना शुरू करती है। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद चिड़िया खेत के पास आती है। वहाँ अंडे उगते हैं, पौधों को बहुत सारे अंडे उगते हैं। उनको देख के चिड़िया खुश होके ये कैसे हुआ सोचते समय जमीन में से भूमाता बाहर आती है।
चिड़िया करोड़ों रुपए में सभी पक्षी खेतों को भेज रहे हैं, पर तू मेरे ऊपर भरोसा करके जी रही हो। तूने मुझे बेचा नहीं, तेरी भरोसा के वजह से ही मैं ये खेत को उगाई। आज से तू इस जमीन में जो भी डालेगी वही उगेगा। ऐसे कहते ही वो बातें सुनके चिड़िया दोनों हाथ उठाकर नमस्कार करती है, भूमाता गायब हो जाती है। चिड़िया के उगाए अंडों के खेती के बारे में कौवे को पता चलने पर आके देखती है। चिड़िया जीत जाती है, कौवा उसके खेत को चिड़िया के नाम लिख देती है।